चावल निर्यात करने का देश का दूसरा नंबर देश है। चीन के बाद भारत एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा चावल निर्यात करता है और सबसे ज्यादा खरीदने वाला देश ईरान है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हिंदुस्तान के अंदर किसान धान की फसल बोता है और बाजार में बेचने जाता है, उस समय ईरान आयात पर प्रतिबंध लगा देता है, क्योंकि उसी समय ईरान में भी फसल होती है और अपने फसल के किसानों को सुरक्षित करने के लिए ईरान आयात प्रतिबंध लगाने के कारण हिंदुस्तान के किसानों की धान का मूल्य लगातार गिरता जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान डालना चाहता हूं कि 2014 में चावल का मूल्य 2013 की अपेक्षा 1000 क्विंटल 45% भाव कम हो गया है, जिससे राजस्थान के कोटा, बूंदी और तमाम क्षेत्र के हरियाणा, पंजाब के किसानों के धान को सस्ती दुल पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सरकार, मंत्री महोदय ने ईरान से बात की है, सरकार तुरंत प्रभाव से बात करे और ईरान आयात पर प्रतिबंध हटाए ताकि हिंदुस्तान के किसानों की फसल का मूल्य उचित मूल्य पर निर्यात करके उनके मूल्य को बढ़ाया जा सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 3 महीने बाद जब ईरान आयात पर प्रतिबंध खोलेगा, उस समय किसान की धान तो बाजार में बिक चुकी होगी, लेकिन एक्सपोर्टर और निर्यात करने वाले वो ट्रेडर्स उन किसानों की मूल्य को सस्ता लेकर फिर महंगे दामों पर बेचेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार से मांग है कि किसानों को सुरक्षित करते हुए तुरंत प्रभाव से ईरान से बात करके आयात पर प्रतिबंध लगाए और किसान को सुरक्षित मूल्य मिले, इसका